नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है बिना जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे। और सुबह हो गई है गाइस, और यहाँ पे देखिए मैडम जी को डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आज हम नहा के कौन सा ड्रेस पहने। हाँ, अलमारी देखो तो बोलते हैं बहुत सामान अच्छे से फोल्ड करके रखती है। अलमारी तुम्हारा खाली है, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, देखो कितना खाली है। जिंदगी खाली नहीं होती, जिंदगी भरी होती है। हम तो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। सोना चांदी नहीं चाहिए, खुशी चाहिए, सुकून चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? आपके चाहने से क्या होता है? सब कुछ हमारे पति के चाहने से होता है, और परिवार के चाहने से होता है, और समाज के चाहने से भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो मैडम जी फ़ोन आ गया है, और ज़्यादातर लोग चाहते हैं ना हो ना। देखो लोगों को चाहने से कुछ नहीं होता है। दीदी सुंदर लगा तू यार, लेकिन तो दीदी की मस्त है यार, लेकिन साड़ी खूब पसंद है ना। हाँ देख रहे, ब्लैक जिंदी, ब्लैक साड़ी, सब सोने का सड़िया करिया ले ले है, बलम हो नजरिया ना लागी। देख ले तो क्या फ्लर्ट कर रहा है। अच्छा तीनों लोग देखो साड़ी पहन रही, ये भी पिन लगा रही है, देखो ये भी पिन लगा रही है। हाँ कहीं कहीं प्लान बका लगा, कहीं लग रहा है प्लान है तीनों लोग का है। हमें कहा, चलो गाइस नहा धो के मिलते हैं आप लोगों से। पार्किंग के दीदी का कॉल आ गया है, सब लोग पता नहीं कहाँ रेडियो के जा रहे हैं। तू कहाँ गया था? चला चला मिला थी। तो यहाँ पे मेरी बाबू भी उठ गई हैं और नहा ली हैं, सबसे अच्छी बात है। क्या हो गया? गर्मी है भैया, किचन में काम करें। चावल उधर ही बाहर टांगा था। बेटू हमेशा मेरे साथ ही नहाती, इसको आपको मैंने बोला था वहाँ रख दो ना साइड में। गए नीचे दूध लेकर आए। बाबू का बड़ा टेड्डी था ना इसमें है। इसमें आपके लिए बड़ा टेड्डी भी रखा हुआ है। अब आ जाओ पापा पास। हाँ बड़ा होगा। क्या सोच रही हो आप, क्या चल रहा है दिमाग में आपके? टुडे इज माई डे बेटा, टुडे इज योर डे। क्या हो गया, आज आवर डे है? टुडे इज माई सनशाइन डे। आवर डे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब है ना हमारा, तो इसीलिए बोले टुडे इज आवर डे। गाइस से पता है, अभी नीचे गई थी दूध लाने, देखिए कैसा हाफ रही है। दौड़ के गए, दौड़ते हुए आए। अरे वो जय कर रही है। हाँ मंदिर में हम लोग गए पूजा करने ना, जय कर लो। तो यहाँ कर रही है, अभी जाएगी मंदिर में, जाएगी जय करने। जाओ जाओ जय करके आओ, जाओ जय करके आओ, जय कर लो। हो गए जय कर, हाँ जय कर लो, जय करके आ गई। और उसे बैठ चढ़ाना लो। ओ मम्मा चिप्स लेके आई है, बैठ चढ़ा दिया। ये खाना है आपको बाबू, ये खाना है, आ जाओ टेस्टी के साथ खेल लेंगे। किससे कर रही हो क्या, देखें किससे कर रही हो क्या बेटा? पापा को कर लो, पापा को आ जाओ, आ जाओ और पापा किससे कर लो। अरे चश्मा लगा के, मेरे बेटू ना कैमरे में नहीं आना चाहती है, इनको ना वीडियो बनाना पसंद नहीं है। देखो देख नहीं रही है। चलो चिप्स खिला दो आपको, आ जाओ चलते किचन में, देखते हैं मैडम जी क्या बना रही हैं। अब बाबू को यहाँ बैठा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस किचन में क्या बना रही हैं, मोस्टली करके पोहा ही बनाती हैं। तो आज क्योंकि भैया आप ज़्यादा पोहा ही खाते हो ना, मुझे ब्रेकफास्ट में पोहा चाहिए होता है। पोहा या तो जो भुने हुए चने होते हैं, तो चीनी का टाइम हो गया था, ग्रोसरी चीज शुगर। ये चीनी देखो सही है, जो हम लोग लाए थे ना इस बार बहुत छोटा दाना था उसका, जैसे टूटा टूटा बहुत सारा था। हाँ ये निकला
कभी कभी कुछ चीज़ें खराब मिल जाती हैं। अच्छा पूरा एक किलो है? हाँ एक किलो है, एक किलो तो लाता हूँ मैं। अरे इसमें कह रहे हैं डिब्बा एक किलो का नहीं है, लग रहा 900 ग्राम का ही है। पता नहीं, 900 ग्राम कह रहे हैं। क्या क्या डाले हैं अभी? मटर देखे उबल लाया दिख रहा है कैमरे में थोड़ा थोड़ा, उसके बाद क्या करोगी? ठंड का मजा भैया गर्मी में मिल जाता है बीबी के हाथ से। नहीं ठंड का मजा भी ठंड में मिलता है, ठंड वाला जो टेस्ट होता है उसका तो अलग ही रहता है, अलग रहता है। उसमें बहुत सारा वैरायटी रहता है, खाने को मिल जाता है। लहसुन का पत्ती वगैरह डाल के हैं? लहसुन का पत्ती वगैरह हम तो ऐसे ही बनाते हैं, और प्याज तो गर्मी में डालना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि मिलता ही नहीं है। ठंड में भी बहुत कम मिलता है, यहाँ पे गाँव में तो मिलता है। तो यहाँ पोहा क्या करोगे इसको? धोगी ना? पोहे को धोने के पीछे 2 मिनट के लिए रखती हैं। हाँ ऐसे ना, धोने के बाद 2 मिनट अगर आप रखो अच्छा फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। कुछ लोग धो के तुरंत डालते हैं। तो गाइस इनका पता एक ट्रिक बहुत ही अच्छा होता है जो भी होता है, इसीलिए तो हम लोग को सिखाते हैं कि आप भी ऐसे बनाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी आपके तरीके से हम बनाते हैं बहुत अच्छा बनता है, तो हम कभी कभी होता है किसी का तरीका अच्छा होता है। मेरा उद्देश्य यही है कि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो आप सभी को कुछ अच्छा सिखा के जाएं। सही बात है, आप लोग हमसे कुछ सीखो। बाबू देखिए हमारी वहाँ खड़ी हैं, आ जाओ। ऐसा नहीं है, हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। किससे? अरे हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, इंस्टा फैमिली। देखो इंसान एक दूसरे से सीखता ही है। हमने उनसे भी जैसे कोई चीज बच्चे को लेके कुछ कमेंट, हाँ राय कमेंट देते हैं, जैसे फ्रीज, फ्रीज का देखो। हाँ फ्रीज का तो कुछ आपसे भी मैंने, हमने सीखा है बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप उनसे सीखे हम आपसे सीखे। बाबू खाना क्या बनाओगे आज? खाना आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी। अरे वाह, पनीर की सब्जी और चावल थोड़ा सा है। कल गाइस मैंने थोड़ा सा पनीर की सब्जी बनाई थी बस अपने लिए, लेकिन ये आ गए तो हम इनको भी खिला दिए, बहुत मस्त हो गए। खा के बोल रहे बाबू वैसे ही बनाओ जैसे कल बनाई थी, जैसे कल बनाई थी। और मैंने बस नॉर्मली तरीके से प्याज, हरी मिर्च, जीरा का तड़का लगा के काट के बस बनाया था, एकदम सिंपल सा। मसाला वसाला बिल्कुल नहीं पीसा था मैंने। पनीर ले जाते हैं, जा रही है पनीर लेने। हमारी बेटू क्या क्या कर रहे बेटा? ओए ओ सोनपरी, बाबू हमारी चीज बाबू के दूर रख दिया। चलते हैं किचन में, दूर रख दिया बाबू के लिए। चाय भी बना रहे हो क्या? पहले मत बना चाय सा, ठीक है? बाबू के लिए दूध फ्रिज में है। अच्छा तो अदरक खून नहीं है यहाँ पे चाय पी लीजिए। दाल दो, पोहा हो गया। तो बहुत लोग भैया बोलेंगे कि भैया आप डेली पोहा खाते हो, अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है, नुकसान भी होता है, और सर क्योंकि डाइट में पोहा लेना चाहिए। तेल कम है ना? नहीं नहीं ठीक है, तेल कम है ठीक है। कल मैंने परसों बनाया था तो लोग बोल रहे हैं कोमल तुमने हल्दी ज़्यादा डाला, इसलिए आज मैंने हल्दी बहुत कम डाला है। अभी आ जाएगा मिला के पूरा कलर आ जाएगा। नहीं फिर भी हम हल्दी कम डाले हैं क्योंकि वैसे ज़्यादा डालते थे। मैं चला दूँ क्या अच्छे से? चला दो आप ही, और चलो अच्छी बात है चला दो। और मैंने हल्दी भी कम डाला है, और आप लोग बोल रहे थे थोड़ा मूंगफली करी पत्ता वगैरह डाला करो, मैं ये सब नहीं डालती हूँ क्योंकि मूंगफली वाला मुझे नहीं पसंद है पोहा, इनको नहीं पसंद है इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इसी ब्लॉग में आपको बता दूँ, इनको पसंद नहीं है, मैंने मूंगफली डाल लिया था ये नहीं खाए थे। चलो ये नमकीन लपेटे जा रही गुरु है, सही है, इसलिए आया है। आप लोग को भी खाना होगा गाइस, 2-4 पैकेट, 1 पैकेट दे देंगे, 2 पैकेट बताइए गाइस। लोग कैसे आएंगे खाने यार, क्यों हमारी ये फैमिली आई थी यूट्यूब से तो नहीं खिलाए थे, तो ऐसे आ जाएंगे। देखो आज कम हल्दी लग ही नहीं रहा है, मैंने डाला है, अच्छा लग रहा है जैसे। चलिए गाइस पोहा बन जाता है, फिर आप लोग उससे मिलते हैं। वैसे बन ही गया है, बस 2 मिनट और रखना है बस उसे। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता लग गया है हमारा पोहा, और हमारी बेटू आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, आप तो कुछ खाते पीते हो नहीं। नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी। बाबू नेल पेंट दिखाओ, नेल पेंट दिखाओ, अपना नेल पेंट दिखाओ। देखिए नेल पेंट लगाई हुई है,
अरे बेटा जी अपना चाय और अरे मुझे अपने बाबू का दूध लेके आई हूँ। चाय कटोरी में पी लेंगे इसी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। यहाँ देखिए साथ में इसलिए हम पीते हैं क्योंकि रश भी है और मुझे काम भी है। अभी जाएंगे हम तो सब तैयारी मसाला साला सब पीस दिए हैं, बस खाली पनीर की सब्जी रोटी चावल बनाना है। तो चलो गाइस नाश्ता करके मिलते हैं। तो गाइस बड़ा मस्त नाश्ता बना था, पोहा, और हमने नाश्ता कर लिया है और ये रात भर सोती नहीं है। पता नहीं बोलती हैं, मैं जब इनको उठाता हूँ ना तो बोलती हैं यार मैं लेट सोती हूँ। क्या अच्छा मेरे साथ ही सोई थी फिर बोली मैं लेट सोती हूँ, बोलती मैं नींद नहीं आता है। तो मैं बोलता हूँ क्यों इतना टेंशन लेती हो, हैं बोलती है मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, इसे नींद नहीं आता है, टेंशन रहता है। अरे किस बात का टेंशन यार, मस्त रहो। देखो इतना तुम्हारा हस्बैंड देखो इतनी रात नाइट ड्यूटी करता आता है, मस्त रहता है, किसी के बारे में कोई फर्क नहीं करना। आप बोलते हो भगवान का नाम लो सो जाओ, लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती। और कहती है मैं कहती हूँ कि मैं जब सोती हूँ तो मेरी आँखों में आंसू हो जाता है। हमको यार मैं तो कभी देखा नहीं, मैं क्या जानू। ऑटोमेटिक पता है कुछ सोचते सोचते ऐसे आँख से आंसू निकलते आ रहे कि पूछो मत, ऐसे निकलेगा। जब निकला करे ना तो मुझे दिखा दिया करो भाई। अब वीडियो ही बना के दिखाएंगे तब तुम्हें यकीन होगा। तुम्हें उठाते नहीं है, बताते नहीं ताकि तुमको टेंशन ना हो। बात ठीक है, अब तुम वीडियो बनाओगी हैं वो चीज़ गलत है ना, तो वीडियो बना के मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा रोने धोने वाला, अच्छा नहीं लगता है ना यार। देखो एक जो मैंने बताया कि देखो एक बात करते करते रो दो और ठीक है कि हाँ चलो आप अपनी फीलिंग बता रहे हो, रो रहे हो वो अच्छा लगता है। और बाकी ऐसे अगर रोना धोना वीडियो सोशल मीडिया पर डालना मुझे ख़राब लगता है। उस दिन देखो मैंने ब्लॉग बनाया था कोमल, जैसे रोना स्टार्ट किया मैंने तुरंत ब्लॉग बंद कर दिया। हम कहने इससे क्या होता है ना, जिसको देखो जो समझना है चाहे वो अच्छा समझेगा और जो गलत जिसको गलत समझना है वो गलत समझेगा। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हमेशा रोने से मतलब आप सही हो जाओगे, ठीक है ना। गलत अभी आप रोओगे, कल कैसे रोते, थोड़ा एक्टिंग करो कैसे रो रही थी बताओ थोड़ा मेरे को। अब सच में रोना आएगा तब रोएंगे, अब एक्टिंग करके हम नहीं रो सकते ना। सही बात है। तो चलो गाइस ये वाला व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग से मिलते हैं अच्छे नए व्लॉग में। नाश्ता पानी कर लिया हूँ बड़ा बढ़िया इन्होंने बनाया था। अरे बाबू क्या कर रहे हो, बैगन नहीं खाते क्या? ना बैगन लाए थे, अब लोगों ने बोला था बैगन नहीं खाते सावन में, तो हम कह जाने तो मत बनाओ सावन में। मेरा मन करे बट्टी चोखा खाने का, बट्टी चोखा आलू का बना लो चोखा। और सावन में कढ़ी भी नहीं खाते हैं बाबू। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।